दोस्तों हम लोग निकले हैं चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में एक इवेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि काफी बड़ा इवेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन इंडिया में होने वाला है, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले जितने भी डिजिटल मार्केटर है जुड़ने वाले हैं। वहां पे मैं एज अ स्पीकर हूं और वहां पे मैं एक केस स्टडी बताने वाला हूं, जिसमें एक ऐसा बिजनेस जो अराउंड 2 मिलियन पर मंथ के लगभग में ट्रैफिक जनरेट करता था, उसको एक साल के अंदर में 10 मिलियन पर मंथ के हिसाब से हम लोगों ने किया है। धीरे धीरे करके इस व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं। और ये व्लॉग जो है बेसिकली 2-3 दिन में शूट हो रहा है। आज फ्राइडे है और आज अभी हम लोग नोएडा से निकल रहे हैं, राजेश भाई के साथ निकलेंगे, फिर ट्रेन से होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे, फिर कल परसों, फिर मंडे के दिन वापस ही होगी। तो आपको धीरे धीरे पूरा व्लॉग में दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोग करते हैं। अभी इंतजार हो रहा है राजेश भाई का, आ जाए फिर आगे बढ़े। अभी 1 घंटा है ट्रेन आने में, आई थिंक 1 आवर है ट्रेन आने में। लेट्स सी, बैठे हैं वेटिंग रूम में, थोड़ा काफी भी लिया, तो बैठ के इंतजार करे जा रहे हैं, बुक करें। शुरू हो चुका है और राजेश भाई और कौशल है साथ में। हेलो, तो अभी ट्रेन चल रही है, अभी 2 घंटे में पहुँचेंगे, 3 घंटे में पहुँच जाएंगे और उसके बाद खाते पीते हैं, फिर उसके बाद कल मस्ती। कल पूरा तो जोश के साथ में आना है, बहुत एनर्जी के साथ में आना कल करना। हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़ के स्टेशन में, अभी इंतजार कर रहे हैं हमारे दोस्त ईश मदन का और उसके साथ में हम लोग जाएंगे होटल रूम में। तो आज का दिन चालू हो चुका है और आज जो शुरुआत का दिन है, आज मैं डायरेक्ट इवेंट में नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, मेरी एक क्लास है उस क्लास को लूंगा और उसके बाद इवेंट में जाऊंगा। अभी मैं आया हूँ एडुटेक के ऑफिस में, जो कि दीपक का है और इनके बारे में आपने मैगजीन में भी देखा होगा। सो दोस्तों क्लास हो गई खत्म, अब निकलते हैं इवेंट के लिए और वहां देखते हैं क्या क्या धमाल होता है, क्या क्या चीजें होता है, लोगों से मिलते हैं, काफी मजा करते हैं। और क्या करेंगे, यही तो करेंगे हमारी जिंदगी में, यही तो है कि मजा करो, लोगों से मिल के मजे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके थॉट सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, राइट। और जाने से पहले दीपक ने मुझे ये 2 बुक गिफ्ट की है, एक है हमारे जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर सत्यजीत रे, उनकी कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरीज है जो कि मैं पढ़ूंगा, काफ़ी मोटी बुक है। और इसके अलावा एक और बुक है जो कि राधिका गुप्ता की है, लिमिटलेस करके, द पावर ऑफ अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। ये भी देखते हैं ये कैसी बुक है, क्या बुक है, इसके बारे में मैंने नहीं ज़्यादा सुना है, बट लेट्स सी कैसी बुक है, ये देखते हैं। दोस्तों इवेंट में आ चुके हैं और इवेंट अभी चालू के बीच में ब्रेक हुआ है, क्योंकि मैं बीच में पहुंचा हूं, शुरुआत सुबह 10 बजे चालू था और धीरे धीरे देखते हैं इवेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। कौशल उनको मैं बोलूँगा थोड़ा सा वीडियो मेरे ले लेने के लिए, क्योंकि कौशल मेरे थोड़ा सा वीडियो ले लेंगे, मैं उनको सिखा देता हूँ कैसे इसका हैंडल करते हैं और उसके बाद में हम लोग देखते हैं इवेंट में कैसे कैसे। अभी प्रणीत का सेशन चल रहा है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग प्रणीत का भी सेशन हुआ, काफी अच्छा हुआ और एक्सपायर्ड डोमेन में प्रणीत ने किया है, कैसा रहा प्रणीत तुम्हारा बताओ? मुझे तो ठीक लगा, तुम्हें तो ऑडियंस कैसी लगी, पॉजिटिव वाइब लगा कि नहीं लगा, यहाँ पे आके मजा आया कि नहीं आया? काफी अभी तक मजा, अभी तक मजा, अभी खाना वाना खाएगा और मजे करेंगे ना, उसके बाद और मजे करेंगे, और मजे करेंगे। खाने, अभी खाने पीने का प्रोग्राम हो गया, दृष्टि और उदित दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और अपस्किल के स्टूडेंट, अपस्किल के काफी ज्यादा नाम रोशन कर रहे हैं। दृष्टि अपनी एजेंसी चला रही है, अभी कुछ क्लाइंट्स को लेकर काम कर रही, फैमिली बिजनेस भी है। और उदित भी अपना अभी अमेजन के साथ काम कर रहे हैं ना, अमेजन के साथ में अभी काम कर रहा है उदित। और काफी उदित से 3-4 साल के बाद में मिले हैं, ढाई साल गायब हो गया था लड़का, हमको लगा कि लड़का भाई की नहीं दुनिया में पता नहीं है, लेकिन हमको अंदर से, जैसे ना एक होता है ना कि जया बच्चन को, शाहरुख खान का अंदर से एक उम्मीद रहता है कि हमारा लड़का आ रहा है, तो हमको ये लगता था कि हमारा लड़का कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहा है तो हम जया बच्चन थे उसके लाइफ पे और हमको लग रहा कुछ ना कुछ कर रहा है, अभी बहुत अच्छा, मतलब कोशिश कर रहा है अपनी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे जाके अच्छा करेगा। और इसके बाद में हम लोग का सेशन है, बोल दिया था कि भाई बंद करो धंधे, तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। और उसके बाद उस बिजनेस को हम लोगों ने बहुत, 1 साल लग के, लगभग 1 साल लगे थे टाइम को, तो उसको रिवाइव करके काफी ज्यादा उसका ट्रैफिक बढ़ा दिया। आई थिंक उसका सर्च ट्रैफिक 2 मिलियन के लगभग में था पर मंथ, और उसको हम लोगों ने बढ़ा के 8 या 9 मिलियन के लगभग में हम लोगों ने पर मंथ कर दिया था 1 साल के अंदर में। प्लस उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगे थे, बहुत सारे ऑफकोर्स दिमाग लगे थे, और बाद में हम लोगों ने इन सारे की सारी चीजों को एक एक करके स्टेप करके हम लोग आगे करके बढ़ाए हैं। इसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो ई कॉमर्स के अंदर में भी अप्लीकेबल होती है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यू नो अपना
ब्लॉग या कोई मीडिया की वेबसाइट चला रहे हो और उसमें अराउंड आई थिंक 1 लाख के लगभग ट्रैफिक आ रहा है हर मंथ, कितने लोग अस्तका तुम तो हो अच्छा कितने लोग ऐसे जिसके पास मिलियन ट्रैफिक आ रहा है, एटलीस्ट 1 मिलियन आ रहा है, बस एक है, कितने लोग 10 मिलियन वाले नहीं बेटे वाले ठीक है, तो अभी 1 मिलियन को 10 मिलियन कैसे, 1 लाख को आगे कैसे बढ़ाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। राजेश भाई बताइए, इवेंट जो हो रहा है ये इवेंट में फुल हो गया ओवर बुक हो गया? इवेंट ऐसा है कि हम समझ नहीं पा रहे कि चेयर्स अब कहाँ रखें, ठीक है, और जो कम्युनिटी से जो प्यार मिला है ना, हाँ, भाइयों का सारा सपोर्ट मिला है, जो प्यार मिला है नेक्स्ट लेवल, इट्स अमेजिंग, इट्स मिंडबोल, और वाइब्स भी यहाँ की बड़ी अच्छी लग रही है, वाइब्स इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, लोग इतने दे आर सो यू नो हैप्पी। कोविड के बाद में मेरा बहुत लोगों से मिलना, कोविड के बाद से कभी नहीं मिला था, उन लोगों से मिल रहा हूँ, अरबाब भाई, कौशल, ठीक है, जयदीप भाई, ठीक है, जयदीप भाई के बारे में ये है कि जयदीप भाई को मेरे को 13 साल से जानते हैं, 14 साल से, बट मिले पहली दफा जयदीप इसे जैमोक पर, ठीक है, मैं जयदीप से पहली बार मिला था अहमदाबाद में, अच्छा ठीक है, और जयदीप की हॉस्पिटैलिटी अमेजिंग, मुझे भी जाना पड़ेगा अहमदाबाद, ठीक है, बहुत बढ़िया था। और अभी आप अहमदाबाद से हैं जयदीप? जयदीप राजकोट से, मतलब गुजरात से हैं? प्योर सोल है, प्योर सोल है, बिल्कुल जयदीप लाइक अरबाब भाई एंड लाइक अदर्स, ही इज अ प्योर सोल, आई मस्ट अप्रिशिएट। जयदीप भाई के साथ ये कि जयदीप ऑर्कुट के टाइम से जानते हैं, मतलब कि 2007-8 की बात कर रहा हूं, तब से जानते हैं, और अभी 14 साल के बाद में ये पहली दफा मेरे से मिले, और बहुत कन्वर्सेशन होता था इंटरनेट पे, और ये होता था हमारी सबसे पहली चेयर थी राकेश ग्रुप में, वो 2015 की थी, देखिए 2015 में फेसबुक पे थी चेयर 2015, वो भी इसके रिगार्डिंग थी, एसईओ के रिगार्डिंग ही था, कुछ नो फॉलोअर, उस टाइम में आई थिंक मेरे को ज्यादा साल नहीं हुए थे, 2013 से 2 साल हुए थे एसईओ के अंदर में, बट मेरे साथ ये है कि मेरा जो लर्निंग स्पीड है ना वो नॉर्मल आदमी से बहुत तेज है, नॉर्मल आदमी जो 2 साल में सीखता है वो हम शायद 2 महीने में सीख जाते हैं, तो उस टाइम में भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट था एसईओ फील्ड में, मेरे को जयदीप भाई से बहुत सारी चीजें सीखी, ऑटोमेशन, पीएचपी सीखनी है, ऑटोमेशन सीखना है, ठीक है, बहुत कुछ करना है अभी। चलिए अच्छी बात, चलिए फिर हमको आप लोग आगे दिखाते हैं चीजें, अभी चल रहे हैं अभी दोस्तों, अभी हम लोग बोलेंगे रुकना तो है ही नहीं, ना रुकने देना है, हाँ तो दोस्तों पहला दिन फिनिश हो चुका है और मैं अपने होटल रूम में आ चुका हूँ, और उसी होटल रूम में लिया जहाँ पे इवेंट हुआ था, अब यहाँ पे ये रहा, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा होटल रूम, ये रहा होटल रूम, दो बेड है अलग अलग, एक मेरा फ्रेंड उदित वो आके रुकेगा, और एक मैं, सिंगल वाले यहाँ होते नहीं इस सब होटल में, और आई थिंक चाय वाय पीने का पूरा जुगाड़ है, चलेगा भी रात में और क्या। तो इसके बाद आफ्टर पार्टी है, आफ्टर पार्टी में भी कुछ कुछ चीजें लिखते हम लोग करेंगे, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, और आज सेकंड डे, आज मेरा सेशन नहीं है, आज शायद मैं थोड़ा सा मार्केट घूमूं और थोड़ा सा अलग जगह पे जाऊं, क्योंकि मेरा सेशन है नहीं और मैं सेशन अटेंड भी नहीं करूंगा थोड़ा शहर देखने की वजह से। और अभी फिलहाल मैं अपनी
क्लासेस लेने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरी 10 से 1 बजे तक या मे भी 2 बजे तक एक क्लास है, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके जर्नी पढ़ाएंगे। अगर आप देखोगे अभी कुछ स्टूडेंट्स आना चालू हो गए हैं क्लास के अंदर में, और धीरे धीरे करके और भी स्टूडेंट आएंगे, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं, और अब हम लोग का इवेंट चालू हो चुका है, बस हॉल पे जा रहे हैं इवेंट के लिए, एंड होपफुली सेशन स्टार्ट हो गया नहीं हुआ। अभी जस्ट चाय कॉफी चल रहा है, चाय कॉफी। राजेश भैया किधर है? सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा। बताइए आप, इवेंट कैसा जा रहा अभी तक? इवेंट बहुत बढ़िया जा रहा है। बहुत बढ़िया जा रहा है, मजा आ रहा है? आफ्टर पार्टी में कल मजा आया कि नहीं? वो तो ऑब्वियसली एंजॉयबल था, मेरे लिए सबके लिए एंजॉयबल था। उसमें सब कुछ था, डांस था, फन था, खाना पीना भी बहुत अच्छा था। चलिए, और आज आज क्या है सेशन में, किसका इसका सेशन आज? का है और अभिषेक सूद जी का है और सौरभ चौहान का है और राजेश भाई का भी है। राजेश भाई चाहेंगे तो कर सकते हैं। अच्छा, वो तो मर्जी पे डिपेंड करता है कितना टाइम दूसरे लोग। चलिए अच्छा, आज शाम में 5 बजे तक चले गए? अराउंड 4:30 फ्लाइट है। और मैं तो रुका हूँ, मैं तो कल सुबह जाऊँगा, मैं घूम जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते थोड़ी देर में, राइट? उनके बारे में मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। जो बल्क हमारे लैंडिंग पेजेस होते हैं, इनमें हेड टर्म्स यूज होती हैं, डेटा सेट और पेज टेम्पलेट। अब जो हेड टर्म्स है, ये अगर आपका कुछ बिजनेस है, ऑफिशियली हमारा कंक्लूड हो गया और सारे के सारे इवेंट खत्म हो गए। हाँ जी, हम भी सर से फर्स्ट टाइम कुछ हो गया यार, जरा परेशान है। क्या हो गया? चलो बाय 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 बाय, दर्द कर रहा है। बताओ अभिषेक, पहला सेशन कैसा हुआ? बताओ, मजा आ गया सर आपके सेशन देखने के बाद? तुम्हारा बताओ यार, मेरा आपका सेशन देखने के बाद पॉइंट मिला, इस स्टेज को कैसे क्लियर कर सकते हैं और कैसे बात कर सकते हैं? ठीक, आपका सेशन देखने के बारे में आपसे बात कर पा रहा हूं। अरे ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा, कि एकदम कहानी की तरह ले गया लड़का। मैंने आपसे सीखा ना, आपने कैसे कोई मुझे स्टोरी को बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आपने बताया, मजा आ गया। चलो अच्छी बात, और फाइनली हम लोग कंक्लूड, इवेंट बहुत अच्छा रहा है ना, मजा आया सबको? मजा आया, बहुत मजा आया। अगली बार करनाल आना है। हाँ, करनाल आना है, बहुत मजा आया। करनाल आओ, करनाल के बहुत डिमांड है, आना पड़ेगा। बहुत मजा आया, अच्छा था, काफी कुछ नया सीखने को मिला। नया मिला, अप्लाई करोगे? करना है, दिक्कत यही ना कि लोग अप्लाई नहीं करते हैं, सीख लेते हैं अप्लाई नहीं करते हैं।